कहते हैं कि चेहरा इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, लेकिन अगर एक चेहरे के दो इंसान हो और वो भी एक घर में, तो पहचानने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिल्मों में डबल रोल की अदायगी आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन इस गांव में हर एक घर में डबल रोल नजर आता है। जुड़वा चेहरों की भरमार वाला एक गाँव प्रयागराज के पास मौजूद है, जहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक जुड़वा लोगों की भरमार है। गांव के इन जुड़वा लोगों का कहना है कि लोगों को हमें पहचानने में काफी दिक्कत होती है। यही बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने यहाँ से मिट्टी ले गए, यहाँ से दूध ले गए, ब्लड भी बहुत लोगों से ले गए, पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। और कभी कभी तो कन्फ्यूज जाते हैं, अगर जुड़वा है, अगर एक को पकड़ा, कुछ बोला तो अभी आप आए थे, अभी आपने ऐसे काम किया, फिर तो बताना पड़ता है नहीं ये नहीं है बल्कि दूसरा है, जुड़वा है जो वो दूसरा है, तो कुछ समझ कंफ्यूजन रहती है कि क्या कहते हैं, एक ने कुछ गलत किया हो या कुछ अच्छा काम किया हो तो क्या कहते हैं, दूसरे को पकड़ लो, या दूसरे ने कर लिया तो पहले को ही पकड़ लो, और फिर पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन रहता है। हाँ, कंफ्यूजन। इस गांव के लोगों का कहना है कि सरकार ने इस गांव की काफी जांच कराई, डॉक्टरों की टीम गांव की मिट्टी भी ले गई, लेकिन वजह का पता नहीं चल सका है। अब कहानी यही है कि अब कुछ पता तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, नहीं तो सब कुछ जांच हो गया, मिट्टी भी, पानी भी। मेरे भी दो बेटियाँ हैं, एक लड़का मेरा भी है, एक 5 साल का, दूसरा 3 साल का है, ये दो बेटी हुई है। हाँ, जुड़वा लड़की मांगे थे ऊपर वाले से, एक मिल गया दो लेकिन हम हाँ लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद ये मिली, कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मांगी, और भगवान ने दिए थे। हाँ, खुश हैं हम भी, भगवान ने हमें खुश हैं। मिट्टी में ही कुछ ऐसा है, अब मिट्टी में क्या, अब ऊपर वाले की महिमा गांव का, ये तो अब गांव में भी कई जुड़वा बच्चे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के रहीमाबाद उमरी गांव में तकरीबन 250 परिवार रहते हैं, और इस गांव में एक नहीं बल्कि 108 बच्चे जुड़वा हैं। इस गांव में ये कैसे होता है, आज तक इसके पीछे का रहस्य कोई नहीं समझ सका है। हालांकि सरकार ने इस गांव में डॉक्टरों की कई टीमें भेजी और उन्होंने गांव की मिट्टी से लेकर लोगों के खून तक का नमूना लिया, लेकिन अब तक इसके पीछे का कारण क्या है, आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।